हीरा इसके आंखें तो दिखाओ, इसकी कहीं इसकी मेरा ये कोई प्रैंक हो रहा है। यार हीरा ये पहले चेक करो ये असली है कि नकली है। कैसे करते हैं? उंगली लगा पहले। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी। सबसे पहले तो हम दोनों की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ तू मैं नहीं मैं कह रही वालेकुम अस्सलाम आप लोग कहेंगे मुझे, ठीक है जी। तो हम लोग हीरा को देने वाले हैं एक सरप्राइज, और हमें भी पापा की कॉल आई है कि मैं हीरा का फोन एक्चुअली में थोड़ा डैमेज हो गया था। कुछ डैमेज नहीं हुआ, मैं बताती हूँ उसको क्या हुआ था, अब समझ जाए। बस कुछ जिसकी बैटरी स्वेल हो जाती है, हुआ भी था तो तुम्हें क्यों खुशी हुई थी उसको। उन्होंने मेरे बाबा ने गिफ्ट करना है कुछ इंटरेस्टिंग, तो मैं जेलस हो रही हूँ। मुझे नहीं करना, मुझे इधर आओ, मुझे क्यों नहीं मिल रहा? आपस में जलते नहीं होते? मुझे क्यों नहीं मिल रहा? मिलेगा, तुम भी अपना फोन कर लो। मैंने हाँ, मैं भी तोड़ा, मैंने कितना इंतजार किया। अच्छा गाइस, ये जो इस्तेमाल करते हैं ना चार्जिंग पे लगा के फोन, उनकी फोन की बैटरी स्वेल हो जाती है, इसमें बड़ा मसला होता है। तो आज पापा देने वाले हैं उसको सरप्राइज, सो आप लोग भी हमारे साथ रहेगा। और एकदम मुझे लग रहा है कि पापा आ गए। चलो रुपया पापा की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वो क्या कौन सा फोन लेकर आए। वैसे उम्मीद है कि 13 प्रो आपको मिलेगा का फोन टूट गया। आपने स्टोरीज में तो देखा ही होगा, फातिमा ने भी स्टोरी लगाई थी, हीरा ने भी खुद लगाई थी कि उसका फोन हो गया। अब देखते हैं उसका फोन का इलाज क्या है। देयर इज पापा। वालेकुम अस्सलाम। तो ये है, किसके लिए लाए आप? हीरा के लिए। तो यहाँ सेट लेके आए हूं, लेकिन यहाँ आप ऊंची बोल सकते हैं, उसको आवाज नहीं जाएगी। मेरी बात सुनो, वो पता क्या चक्कर है, उसका सेट खराब हो गया था। तो मैंने सोचा मैं सेट उसको सरप्राइज दूँ। मुझे भी ऐसे सरप्राइज चाहिए। मैं भूल गया, मेरा भी कल भूल जाएगा, आप मुझे भी दे दे। सारे बच्चे अपने अपने फोन फुलाएं और अपने अब्बा की जेब फुलाएं। नहीं फुलानी खाली कर रहे हैं। सेट ले आए हाँ, तो हीरा है किधर? अंदर जा रहे हैं, चले चलते जाएं चलते जाएं। ये दूल्हा जी घर ये एक मिनट में पहले हम तो देखते हैं कौन सा लेके कौन सा आए। खोलें जरा डिब्बा दिखाएं। मुझे पहले बताया गया था 13 प्रो। डेले वाला फोन। लोग सोच रहे हैं उसने कहा था उसको ये पसंद है। तुम्हें कौन सा पसंद है, तुम ये बताओ। तुम जलने की दुकान? हाँ जी, ओके चलते हैं। ओह माय गॉड, तो लेट्स रिकॉर्ड हीराज रिएक्शन कि वो अभी यू नो। हाय क्या कर रही हो तुम? तुम मेरी सौतन हो आज। क्यों, तुम्हारी क्यों सौतन बन गई वो? क्या हुआ? तुम्हारे फोन का क्या हाल है? सुना है वो काफी बीमार हो गया था। पहले बताओ उसको हुआ क्या था? वो मोटा हो गया। मोटा कैसे हुआ? हो गया, मुझे रोना। रोना? हाँ जी। न्यू फोन। तीन प्रॉमिस। खोला हुआ था पापा? आधा आधा दोनों का होगा। हीरा वापस अंदर नहीं जाना। आई एम रिकॉर्डिंग योर रिएक्शन। नहीं नहीं प्लास्टिक का, नहीं नहीं लोहे का। ये रहा ब्याह का। कितने जीबी वाला? चलो शाबाश, ना थैंक यू ना कुछ, तो कितने जीबी वाला? मुझे इतनी जरूरत हीरा इसके आंखें तो दिखाओ, इसकी इसकी मेरा ये कोई प्रैंक हो रहा है। यार हीरा ये पहले चेक करो ये असली है कि नकली है। कैसे करते हैं? उंगली लगा पहले। नहीं 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 पहले तो वाकई मेरा ये कोई प्रैंक हो रहा है आपका। ये नहीं पापा, तो क्या मैं आप इधर आए पापा जी, जरा इसको यकीन दिलाएं कि ये आपने इसको वाकई में लिया सच में। हाँ तो खुश क्यों हो ना, अगर नहीं खुश हो तो कोई बस आनी मुझे। मैं काटती हूँ, रुको मुंह दिखाओ अपना। ना, करो। ये तो देखे ना, ये तो प्रॉपर बदले ले रही है उसने। चल चल, थैंक यू पापा। वेलकम हीरा। हम लोग भी सरप्राइज में भरपूर शामिल थे। वैसे आज रात नींद नहीं आने वाली, सच में नहीं आने वाली। आज नींद नहीं आने वाली हीरा। यार इसका कैमरा, इसके फीचर मुझे चेक कर लेता। वो जो फूला सेट है ना, जो फूल गया था पूरा। ठीक है, इधर
वो जो फूला वाला है ना वो मेरी तरफ से राबिया को गिफ्ट अब तो हीरा लिया करूंगी हीरा तो साथ ही रिजल्ट अच्छा देखा मुझे भी दिखाओ मैम सो अब हम देखेंगे कि हीरा के जो फोन का रिजल्ट जो है वो क्या आता है तो इसके फोन में लगे हुए यहाँ पे मेरा ख्याल से दिखाना जरा मेरा फोन नहीं है ये 13 प्रो का रिजल्ट तो यार मुझे दे दो यार हीरा यार मेरा 12 वाला ले लो है तुम्हारा कोई टूटा था तुम्हें रात को कोई रोना आया था नहीं ना मुझे मेरा भी एक बार ऐसे फोन लिटरली मैं रोई थी कि यार मेरा फोन टूट गया मुझे किसी ने कुछ नहीं पूछा देखा तो फिर किसको फिक्र होती है पापा ने इंस्टाग्राम की स्टोरी देखी थी अच्छा मैं अब आपको एक अपनी स्टोरी सुनाती हूँ जी स्टोरी ये है कि एक बार मेरा एम्पोरियम मॉल में मैं ऐसे ही वो बना रही थी मैंने नया नया तब ना वो एज फोन आया था ठीक है सैमसंग S6 ठीक है और वो मैं ऐसे बनाते बनाते मेरे हाथ से वो गिरा और उसका पैनल फारिग मतलब 2 दिन हुए इस्तेमाल करते हुए और वो क्या हुआ फिर मेरे साथ और मेरी शक्ल यूं थी तुम निकलो यहाँ से फूलने वाली तो पापा ने मुझे फौरन जो है वो अगले दिन सुबह नया फोन लेके दिया था ये देखो तो मेरा फोन साइड से खराब हो गया अब तो तुम्हारा सब कुछ खराब होगा चल 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 तो हीरा अपने फोन को कर रही है इंजॉय तो बाकी मैं आपको जरा इसकी मजीद फीचरिंग आपको देख के बताती हूँ कि इसकी जो है ना वो इसका रिव्यू क्या दे रही है हीरा कि आईफोन 13 प्रो मैक्स लेना चाहिए अच्छा मेरा जो अगर पर्सनल देखा जाए ना रिव्यू तो वो ये है कि आईफोन 12 प्रो मैक्स है ना तो उसकी आंखें हैं यूं और जो आईफोन 13 प्रो मैक्स है उसकी आंखें हैं तो वो खुद ही सबसे अच्छा एक्सी होता हाँ वो तुम्हारे पास जो है चलो पापा को पानी दो और मैं चलती हूँ आपके पास रिव्यू लेने हाँ जी कोई रिव्यू नहीं दूंगी बस संभाल के रख लिया मैंने अच्छा यूज नहीं करना नहीं, मुझे तो कवर मंगवाऊंगी प्रोटेक्टर लगवाऊंगी फिर निकालूंगी तुमने तो सदियों पहले ही मेरे ख्याल से कवर्स मंगवा लिए थे तुमने सोचा हुआ था कि तुमने ये फोन लेना है लेकिन तुम्हें ये नहीं पता था कि तुम्हारे सोचा था कि कभी लूंगी बट पता नहीं था कि कब दिखाओ जरा अब इसको निकाल लो अब उसको यूज करो ये देखो चोर जलन चोर अभी नहीं चलो अब इसमें सिम वगैरह डाल लो फीचर्स वगैरह दिखा लो फिर मैं तुम्हारे पास आती हूँ पूछने के लिए किसके फीचर्स क्या के क्या क्या इसमें है कि नंबर इसमें कैमरा है इसमें कॉल्स होती है इसमें पिक्चर्स देखी जाती पिक्चर्स क्लिक भी होती हैं और एयर ड्रॉप से इधर तो फिर बेटा आप 33-10 ले लेती हैं आपने ये जरूर लेना था इसके कैमरा प्यारे है ना रिजल्ट बहुत अच्छा आता है रिजल्ट अच्छा आता है शक्ल प्यारी आ जाएगी ये मेरे पापा ने लेके लिया इसलिए ये खुशी तुम्हारी आंखों से रोने से क्यों निकल रही है फाइनली हीरा फाइनली हीरा गॉट हर फोन आफ्टर स्वेलिंग ऑफ चले जी हीरा ने अपना फाइनली फोन ले लिया है और ये जो है वो अपनी भरपूर मतलब मुझे यहाँ पे ना बना रही है एप्पल वालों की समझ नहीं आई कि खाली वायर देने का तुक क्या बनता है अडाप्टर दिया नहीं है साथ मतलब चार्जर तो कंप्लीट देते हैं मैंने चार्ज करने तो मैं कहाँ से करूँ इसके साथ वो कहते हैं आपको अडेप्टर नहीं देंगे आप अडेप्टर खुद खरीदे अगर आपके पास इतने पैसे नहीं थे अडेप्टर खरीदने के तो आपने आईफोन क्यों खरीदा नहीं मतलब साथ हैंड फ्री एयरपोर्ट्स कुछ भी नहीं सिर्फ है कि वो पिन थी और साथ में ये मतलब क्या और ये आपको तो शुक्र है कवर्स मेरे पास ऑलरेडी थे और क्या दिया है ये डिब्बा है इस पे अंदर आप जो है ना इधर आप अपना बॉल रख सकते हैं नहीं इधर तकिया रख के इधर आप सो सकते हैं ठीक है और खाली ये डिब्बा है इतना इस पे पैसा लगाया आप लोगों ने इस डब्बे पे आप एक अडॉप्टर नहीं डाल सकते थे मतलब मैं इस चीज से मुझे भी थोड़ा हो रहा है मैं पहले सोच रही थी कि मैं आईफोन 13 प्रो मैक्स लूं और रिव्यू इसका आराम से पकड़ो ऐसे अच्छा डबल हाथों से अच्छा ये देखें नई चीज होती है ना फिर दिल को कुछ होता है और मैं इसको कहती हूँ डेलो वाला फोन मुझे खुशी है कि मुझे मेरे बाबा ने जिसके दिया और तब दिया जब मुझे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी मेरे पास इवन फोन भी नहीं था मैं सोच रही थी कि कोई स्पेयर फोन घर पे पड़ा होता मैं वो यूज कर लेती तो कमबख्ती किसकी आई थी जैनब की नहीं उससे भी नहीं लिया उसकी भी ऑनलाइन क्लासेस थी हाँ वो सुबह पता आके रोज थी आप ही बाहर आप ही का फोन खराब हो गया वो मेरे से ले ली मैंने नहीं लिया मैंने कहा इट्स ओके आप रखो क्योंकि तुम्हें पता है कि वो दर्द क्या होता है जब फोन ना हो तो मैंने फिर एक दो दिन कहा कि चलो मैं खुद ही कर लेती हूँ चलो तुम अपने फोन के साथ करो एंजॉय थैंक यू फातिमा स्टोरीज लगाने के लिए ऊपर है वो हाँ हाँ जी क्या तुमने भी खाना है पिज्जा पापा ने खाना है
हाँ मैं सारा पिज्जा ले आई हूँ ऊपर, तो आ जाओ। हाँ ज्यादा था, आ जाओ ऊपर, ले नहीं जाती। सो मैं आपको बता दूं कि सबको सरप्राइज मिलता है, सबको सरप्राइज मिलता है फोनों का। ये तो मुझे ये सरप्राइज मिला, और वो भी मेरी बहन उठ के फोन करके पूछ रही है, जनाब की पिज्जा आप ले गई हो? हाँ, तो मुझे नीचे पड़ा हुआ मिला था, मैंने ही लेके जाना, गर्म करके खाने लगी थी तो सारे बीच में आ गई है, लंग में बंग डाल। दी सारा ले, इतना खा के मरना है नहीं मरती, ए गर्म कर दे, ये 2 स्लाइस तो मुझे खुद गर्म कर लो। हाँ, ये क्या, ये नाफरमान बहन, इधर आ, कम विद यार, मी, मैं नहीं गर्म कर रही, कम विद मी, चलो मेरा पिज्जा गर्म करो, खुद कर लो, ऐसे कहते हैं? यस, सॉरी करो, मैं पहले बहुत थक गई हूँ। अच्छा पापा का ये बता देती हूँ ना, मुझे अच्छे वाला दो, अच्छे वाला स्लाइस है, बराबर से मैं करवाऊंगी गर्म। और मैं वही सोच रही हूँ कि आज इस घर कमरे में से इतनी जलने की स्मेल आ रही है, इतनी जलने की स्मेल आ रही है, और वो क्यों आ रही है मुझे समझ ही नहीं आ रही कि वो क्यों। जस्ट फॉरगेट इट, अपना भी दौर आएगा, समझ आ गई ना? हाँ हाँ, तुम पिज्जा गर्म करो, ये दौर समझ आना आपका। मैं खुश हूँ या वीडियो बना रही हूँ, अच्छा फोन आ गया, हंसूं, कुछ समझ नहीं आ रही है हरकत पे, या फिर तरीफें करो। चलो गर्म करो ना पहले, मुझे भी ये सुने, मैंने ये क्या किया मेरे साथ, चाहे दोनों स्लाइस मेरे गर्म है, कर देना यार, शाबाश। पापा को पूछ रही हूँ उनको, लेकिन वो गर्म हो रहा है ना, पहले सोच लो कि तुमने बोलना क्या है, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ ऐसे, मेरे बाल भी खराब है, रात का वक्त है, सुबह मैंने डेंटिस्ट के पास भी जाना है, और सुबह ये क्या निकलवाने जाना है? यस, क्यों नहीं, नहीं निकलवाओ, इतनी जल्दी इतनी अच्छी नहीं, नीचे वाले दांत में भी लगाने हैं, लेकिन देखो नीचे तो सीधे ही है, लेकिन नीचे पता नहीं क्यों, It's my dinner time and I will enjoy my pizza with ketchup. पिज़्ज़ा कैसे खाते हैं? मैंने भी खाया बट मोटापा। Take care guys. Organic चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे ना तो आपकी जिंदगी वैसे सुकून में रहेगी। हाँ जी, तो वही तो तुम्हें मैं कह रही हूँ, बात ही नहीं मानती, चले मैं तो जा रही हूँ अपने कमरे में अपना पिज्जा एंजॉय करने। सो गाइज, अब मेरा नींद का टाइम है, और सोने से पहले जो है वो आप अपनी स्किन को भी हाइड्रेट करते हैं, अपने हाथों को भी मॉइस्चराइज करते हैं, तो बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, तो मैं उनको बता दूं कि मैं हाथों और पैरों के लिए जो है वो आजकल इस्तेमाल कर रही हूँ सर्दियों में चिल्टन प्योर की हैंड एंड फुट ग्लोइंग क्रीम, तो जनाब जिससे आपके हाथ पैर मॉइस्चराइज रहते हैं, तो बस मैं इनको लगाने लगी हूँ, और यही जो है वो सर्दियों में आपके काम आती है। सो मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहाँ पे जाके जो है वो अपनी मर्ज़ी की, मतलब वट एवर यू वॉन्ट टू बाई फ्रॉम चिल्टन प्योर, आप लोग वहाँ से जाके ले सकते हैं। खैर, मेरी तो ये फेवरेट है। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, हमेशा मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे छोटे छोटे प्यारे प्यारे जो है वो व्लॉग्स भी लेके आती रहूँगी, अपनी स्किन केयर रूटीन भी लेकर आती रहूँगी, अपना जो मुझे बिल्कुल याद है जी 500K होने पर जो मैंने हाउस टूर लगाना है, मुझे बिल्कुल याद है गाइज, आप लोग इतने प्यार देने का बहुत शुक्रिया। सो मेरी अब आपसे दोबारा अगले व्लॉग में मुलाकात होगी जनाब, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।